Hello student, today we will discuss about hybridization, right? To give example, what is the meaning of hybridization? In order to explain the characteristic geometrical shape of polyatomic molecule, right? CH4, NH3, H2O, right? etc. Pauling introduced the concept of hybridization, right? मतलब कि shape find करने के लिए, geometrical shape को characterize करने के लिए पॉलिंग ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, राइट? तो उसकी डेफिनेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, राइट, टू फॉर्म न्यू सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, राइट, नोन एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उन्होंने क्या बोला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होगी और न्यू सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म होगी, जिसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, राइट? Unlike pure orbitals, the hybrid orbital are used in a bond formation, right? Hybrid orbital का use हम लोग किस लिए करते हैं? तो कि for a bond formation. Next, definition of hybridization. तो कि the process of intermixing of the orbitals of a slightly different engaging energy आएगा यहाँ पे, right? So as to redistribute their own energy, resulting in the formation of a new set of orbitals of equivalent energies and shape known as hybridization, right? मतलब कि क्या होगा कि hybridization की process में जो different different energy और different different shape वाली जो orbitals है, right? वो orbital intermixing होगी, एक दूसरे से mix होगी और new sets of orbitals form होगी जिसकी energy और जिसका शेप क्या होगा? इक्वल होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल 1 2s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, राइट, ऑफ कार्बन मिक्स एंड फॉर्म इक्विवेलेंट 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब कि कार्बन की एक s ऑर्बिट और 3p ऑर्बिट, राइट, वो एक दूसरे से के साथ कंबाइंड होगी, टोटल 4, राइट, 1 + 3 = 4, टोटल 4 ऑर्बिट मिक्स हो रही है तो फॉर्म भी कितनी ऑर्बिट होगी? न्यू ऑर्बिट 4 फॉर्म होगी, राइट, लेकिन उसमें 1s और 3p है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट गिव अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर हम लोग 3 ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं एटॉमिक, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 ही फॉर्म होगी, राइट। द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, राइट, इन अ शेप एंड एनर्जी। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अ मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड, राइट, एंड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन अ शेप इन अ सम प्रिफर्ड डायरेक्शन, राइट। मतलब कि वो ऐसे स्टेबल होगी, वो ऐसे अरेंज होगी, राइट, स्पेस में कि टू हैव अ मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट, एंड द अ स्टेबल अरेंजमेंट। उसमें मिनिमम रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में और वो स्टेबल अरेंजमेंट फॉर्म करेगी, राइट, एंड देयरफॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस रीजन, राइट। हमें क्या पता चलेगा? तो कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स की हमें जियोमेट्री पता चलेगी। नेक्स्ट, गिव द रिक्वायरमेंट टू फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ वैलेंस सेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज। मतलब कि वैलेंस सेल की जो ऑर्बिटल्स है वो ही हाइब्रिडाइज होगी। सेकेंड, द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन, राइट, प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ओनली हाफ फिल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे वो नेसेसरी नहीं है। इन सम केस इवन फिल ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल टेक प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन, राइट। कुछ टाइम पे ऐसा ही होता है सम केसेस में कि जिसमें वैलेंस सेल फुलफिल है, राइट, विद इलेक्ट्रॉन, तो भी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं। ओके, अब व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट, राइट। sp हाइब्रिडाइजेशन मीन 1s ऑर्बिट एंड 1p ऑर्बिट, राइट।
Atomic orbitals having a less difference in energy of some atom ns and np overlap, right, and form two equal orbital is called sp hybridization. sp hybridization mein kya hoga ki one s orbit part legi aur one p orbit, right, only two orbitals hi part legi hybridization mein, right. टू ऑर्बिटल पार्ट ले रही है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितनी फॉर्म होगी, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी, राइट. तो ये हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, राइट, इन विच वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ईच अदर, राइट, एंड फॉर्म न्यू टू ऑर्बिट हैव सेम एनर्जी एंड सेम कैरेक्टरिस्टिक. इन ईच sp orbital 50% s character and 50% p character is observed. Both equivalent sp orbitals arrange on a x axis. Dono only two orbital, right, wo do orbit aise arrange hogi jisme uske un dono ke beech mein repulsion minimum ho, right. To wo kaise arrange hogi, to ki 180 degree arrange hogi z axis pe opposite direction to each other, right. The two sp hybrid point in the opposite direction along the z axis with projecting positive loops and very small negative loops. जो new orbitals form हो रही है उसमें ऐसे loops form में होगी, right? हमें पता है कि p orbital में ऐसे loops होते हैं, right? लेकिन दोनों loops same होते हैं और s orbital की size sphere है, right? तो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रही है ना, उसका शेप पी जैसा भी नहीं होगा और एस जैसा भी नहीं होगा, वो उसका शेप न्यू ही होगा. तो कैसा शेप होगा, तो के ऐसे लुप्स ही हो गए उसमें, राइट. लेकिन पॉजिटिव लुप्स थोड़ा बिग होगा और नेगेटिव लुप्स से वो स्मॉल होगा, राइट. तो ये वन एक्सिस हो गई, सॉरी, ये वन ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट, राइट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. सी हियर, यहाँ पे ये दोनों अटैच है, ये फर्स्ट है, राइट, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला और ये सेकंड लोब्स है, राइट. तो ये टोटल टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई जो अरेंज हो रही है एक्सिस पे, राइट, विच प्रोवाइड मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सच अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम इज एसपी हाइब्रिड. अब क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम है उसका एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट, एंड लिंक डायरेक्टली टू अदर सेंट्रल एटम पजेसर लिनियर जियोमेट्री. वो टू अदर एटम के साथ अटैच होगा और लिनियर जियोमेट्री फॉर्म करेगा, राइट, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके. तो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन बाय एसपी ऑर्बिटल्स इन बीसीएल टू BE. यहाँ पे BE का एग्जाम्पल लेना है, राइट, हमें sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट. तो ये क्वेश्चन आपको और कैसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन BeCl2 एंड एक्सप्लेन विथ BeCl2 इज अ लिनियर. BeCl2 का शेप लिनियर है, वो हमें एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी. बी मीन्स व्हाट, तो कि बेरिलियम. तो बेरिलियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, तो कि 1s2 2s2, राइट. तो इन वैलेंस शेल टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, राइट, एंड दिस टू इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ एस ऑर्बिट. अब क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट अरेंजमेंट है, तो 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें चला जाएगा, 2p में. तो एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s1 एंड 2p1. तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिट एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिट, राइट. तो दिस 2s एंड 2b ऑर्बिट, राइट, यूज होगी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, राइट. तो 1s एंड 1p ऑर्बिट ऑफ एक्साइटेड बी अंदर को हाइब्रिडाइजेशन, राइट, एंड फॉर्म टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. दिस टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्मेटिंग एन एंगल 180. अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से अरेंज होगी, लिनियर अरेंज होगी, तो ये दोनों में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, राइट. देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, वी नो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17, राइट. नियॉन 3s2 3p7.
3p7 की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कैसे लिख सकते हैं, तो के 3px2, 3py2, 3pz1, तो इन z ऑर्बिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन राइट, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो 2pz ऑर्बिट है राइट, वो क्या करेगी, BE के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी राइट। तो यहाँ पे देखो ये लिनियर BE sp हाइब्रिड है राइट, उसके साथ क्या अटैच होगा, तो के क्लोरीन की 2pz ऑर्बिट राइट। 2pz ऑर्बिट का शेप क्या है, डंबल है, तो वो अरेंज होगी, और कैसे अरेंज होगी, तो के लिनियर फॉर्म में अरेंज होगी, और ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो के सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा राइट। ईच ऑफ द sp हाइब्रिड hybridized orbital overlaps with the 2p orbital of chlorine axially and form 2BEC sigma bond. Beryllium की 2 orbital part ले रही है hybridization में, तो new कितने bond form कर, new 2 orbitals form करेगी hybrid orbital है, तो वो कितने bond form करेंगी, 2 bond, तो 2 chlorine attach हो गए beryllium के साथ, और 2BECL sigma bond form हो गए, and BECL to form with a linear shape, okay? Next, what is sp2 hybridization? So, in sp2 hybridization, one s orbit and 2p orbits, right, are used. So, one s and one 2p, total 3 atomic orbital are used for hybridization and form 3 hybrid orbital, right? Characteristic, in each sp2 orbital, 33% s character and 66.6% p character is observed. All three sp2 hybrid orbital arranging such a way so that they experience minimum repulsion. वो ऐसे arrange होगी कि उसमें जो repulsion है वो minimum होगा and remain at the 120 angle and arrange at the 3 corners. 3 कॉर्नर पे अरेंज होगी तो उसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, प्लेनर ट्राइगोनल राइट। तो सी इन फिगर एनएस एनपीजेड एंड एनपीएक्स राइट, तो एनएस का शेप स्फीयर, पीजेड एंड पीएक्स डंबल राइट, तो ये तीनों के तीनों मिक्स होगी और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी। टोटल कितनी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी, तो के 3 राइट। तो यहाँ पे उसका शेप हमें दिया हुआ है, देखो 3 एंगल बोला है ट्राइगोनल कॉर्नर पे, तो ये वन कॉर्नर, देन ये सेकंड और ये थर्ड राइट, ऐसे अरेंज होगी ट्राइगोनल शेप में। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन अ प्लेन अरेंज 120 एंगल एट अ कॉर्नर राइट, एट अ पॉजिटिव लूप एंड small negative loop. All these three sp2 hybrid orbital combined with, ये जो तीनों hybrid orbital है वो combine होगी s और p orbit के साथ, या तो और कोई hybrid orbit के साथ right, of other atom and form a sigma bond, and such all formation form all three sigma bond arrange 120 angle in a one plane. 120 angle में arrange होगे और one plane में ही arrange होगे right. नेक्स्ट, एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन इन BECL3, तो कि इन बोरोन BECL3 बोरोन राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरोन, तो कि हीलियम एटले के 1s2 2s2 2p1 राइट, तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके स्टार पे चला जाएगा 2p में, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, हीलियम 2s1 2PY1, 2PZ1, right? तो ये 3 orbit, 1S and 2 orbit combine होगी एक दूसरे के साथ and new 3 orbit form होगी, right? Hybrid orbit form होगी, जिसकी shape और energy क्या होगी, same होगी, right? Such 3 sp2 hybrid orbitals arrange in a planar trigonal shape at a 120 angle. And these three sp2 hybrid orbitals overlap with 3 half-fill 3p orbital of chlorine. Chlorine के बारे में हम लोगों ने आगे डिस्कस किया, right? कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की जगह है, right?
किस में, तो के 3PZ में, तो ओनली वन क्लोरीन की ओनली 3PZ ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन वाली ऑर्बिट के साथ अटैच होगी, राइट। सो BeCl3 हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप एंड ClBCl 120 एंगल एज अ फॉलो। यहाँ पे आप लोगों को कैसे अरेंज हो रहा है वो दिखाया है, राइट। ये देखो sp2 हाइब्रिड जो हम लोगों ने आगे डिस्कस किया, उसके साथ यहाँ पे क्या अटैच होगा, बोरोन की 3 ऑर्बिटल, राइट, सॉरी क्लोरीन की 3 ऑर्बिटल, 3PZ वाली। तो ये फर्स्ट क्लोरीन, ये सेकंड क्लोरीन और ये थर्ड क्लोरीन, राइट। 3 क्लोरीन यूज हो गए बिकॉज वन क्लोरीन में ओनली वन इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस है, राइट। तो वो ओनली वन बॉडी फॉर्म करेगा, तो ये वन क्लोरीन, ये सेकंड और ये थर्ड, राइट। 2PZ है इसीलिए उसका शेप क्या आएगा, डंबेल। अगर एस ऑर्बिट होगी तो उसका शेप क्या आएगा, कोई भी अगर एस ऑर्बिट के साथ अटैच होगा तो उसका शेप ऐसे स्फीयर आएगा, राइट। यही क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि एक्सवेन इट इज अ सिमेट्रिकल ट्राइगोनल मॉलिक्यूल, मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है सिमेट्रिकल ट्राइगोनल मॉलिक्यूल का एग्जांपल देके। तो वो कौन सा एग्जांपल देंगे हम लोग, तो कि BCl3, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो कि इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वन एस ऑर्बिट एंड 3p orbits, right, of an atom having a less difference in energy combine with each other and form four equivalent orbitals, right, having a similar shape and energy is called sp3 hybridization, right, and form orbits are called sp3 hybrid orbits, right. So characteristic, so there is 25% S character and 25% P character, मतलब कि PX 25%, PY 25%, PZ 25%, total 75% P character, right? In each sp3 hybrid orbital, the four sp3 hybrid orbitals so formed are directed toward the four corners of a tetrahedron, मतलब कि वो tetrahedron shape में arrange हो गए, right? और उसमें रिपल्जन लेस होगा वैसे अरेंज होके, एंड द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 109°28', राइट। ये हमारी फोर ऑर्बिट है, राइट, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप की है, जब वो कंबाइन होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो फोर न्यू हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म मिलेंगी, राइट। तो ये हो गई टोटल फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो शेप है वो शेप कौन सा है, टेट्राहेड्रॉन शेप में वो अरेंज होती है, राइट। एंड ऑल फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद, वो ओवरलैप हो सकती है एस ऑर्बिट से, पी ऑर्बिट से, राइट, और अदर एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी वो ओवरलैप हो सकती है, राइट, ऑन अ इंटरमोलेक्यूलर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, राइट, अरेंज एट 109.5° इन 3 डायमेंशनल एंड रिमेन टेट्राहेड्रल इन सेल, राइट। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अ 4 सिग्मा बॉन्ड विद एग्जांपल, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हमें एक्सप्लेन करना है उसका एग्जांपल देके। तो कि इन मीथेन, तो मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन मतलब तो कि CH4, तो उसमें कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1s2, 2s2, 2p2, राइट। तो 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 1s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे चला जाएगा, 2p में। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, हीलियम, मतलब कि 1s2, 2s1 एंड 2p3, मतलब कि 2px1, 2py1, 2pz1, राइट, एंड 2s सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों की चारों ऑर्बिटल क्या करेंगी, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगी और फोर न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेगी जिसके शेप और एनर्जी क्या है, सेम है, राइट। और वो अरेंज कैसे होगी, तो कि अरेंज एट 109.5°, राइट, एंगल इन अ फोर कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। दिस हाफिल ऑर्बिटल ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, राइट, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1, तो उसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो भी 1s में, और 1s का शेप क्या है, तो कि स्फीयर है, राइट। तो
फोर हाइड्रोजन यूज हो गए और वो फोर हाइड्रोजन अटैच हो गए फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, राइट। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो के सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। एंड इन दिस वे CH बॉन्ड इज एट 109.5 डिग्री का एंगल होगा एंड अरेंज इन अ थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो CH4 हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखो उसका शेप हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें पता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का शेप क्या है, स्फीयर, तो ये देखो स्फीयर फॉर्म में, राइट। 2pz का शेप तो डम्बेल था, तो इसीलिए उसमें हम लोग ऐसे डम्बेल ड्रॉ करते थे, राइट। लेकिन एस का शेप क्या है, स्फीयर, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, स्फीयर ड्रॉ किया, राइट। पता चला आपको, अगर एक हाइब्रिडाइजेशन में समझ आ गया तो आप इजीली तीनों हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो, राइट। sp में शेप ऑफ मॉलिक्यूल लिनियर, sp2 में शेप ऑफ मॉलिक्यूल प्लेनर ट्राइगोनल एंड sp3 में शेप ऑफ मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल। ओके, थैंक यू।